आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप अपनी फोटो के अंदर डार्क ब्लैक सा कलर टोन डाल सकते हो, वो भी पिक्सा टाइप का यूज करके। इस वीडियो में हमने आपको ये भी सिखाया कि किस तरीके से आप अपनी फोटो को फुल HD में सेव कर सकते हो। गाइज, आपने एडिटिंग का बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें आपको तरह तरह का एडिटिंग सिखाया जाता है, लेकिन जो फुल HD में सेव करने का स्टेप है ना, ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो इसलिए गाइज, ये 4-5 मिनट की ही वीडियो है एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे फोटो को कैसे डार्क ब्लैक टोन में प्रोफेशनली एडिट करना है एंड साथ ही साथ फोटो को फुल HD में सेव भी करना है। तो अगर आपको ये सब सीखना है तो वीडियो को पूरा देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइज, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड गाइज, हमने गैलरी के अंदर से इस फोटो को ओपन कर लिया है। गाइज, इस फोटो को यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे एंड ओपन कर लेंगे हम पहले स्नैपचैट ऐप के अंदर। अगर गाइज आप ये सोच रहे हो कि गाइज मैंने आपको बताया पिक्सआर्ट से कैसे एडिट करना है, लेकिन मैं आपको स्नैपचैट खोल के दिखा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हमें लाइट की एडजस्टमेंट करनी है, इसके लिए गाइज हम स्नैपचैट ऐप का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से गाइज अब आपको ट्यून इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ गाइज आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है एंड हाइलाइट्स को थोड़ा सा जो है कम कर लेना है लगभग इतना, एंड शेडोज को भी थोड़ा सा कम कर लेना है लगभग -4 के अराउंड। देन यहां से इसको डन करेंगे। ओके, अब गाइस आपको टूल्स पे क्लिक करना है, यहां आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से गाइस आपको अपने फेस को सिलेक्ट करना है। यहां ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड सेचुरेशन को कम कर लेना है लगभग इतना, एंड साथ ही साथ स्ट्रक्चर को भी कम कर लेना है, बाकी यहां से डन करेंगे। ओके, अब गाइस आपको टूल्स पे क्लिक करना है सिलेक्टिव पे एंड कुछ इस तरीके से अब आपको हैंड को सिलेक्ट करना है। यहां भी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड सेचुरेशन को कम कर लेंगे, ठीक है लगभग इतना, एंड इसको डन करेंगे। ओके गाइज, अभी आप देख पा रहे हो कि फोटो बिफोर आफ्टर लाइट की एडजस्टमेंट आप देख पा रहे हो गाइज कि काफी हद तक सही हो गया है। यहां से गाइज सिलेक्टिव टूल दोबारा लेंगे एंड यहां आप देख पा रहे हो कि थोड़ा नेक के पास रह गया है, तो यहाँ ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे एंड सेचुरेशन को कम कर लेंगे। बाकी गाइज अभी आप देख पा रहे हो फोटो बिफोर आफ्टर। तो गाइज हमारी फोटो बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है एंड आप देख पा रहे हो कि फेस थोड़ा सा स्मूथ करना जरूरी है। तो टूल्स में जाएंगे, यहाँ से गाइज अब आपको पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करोगे, यहाँ से स्किन की स्मूथनेस लगभग आपको 57 के अराउंड रखना है। आई क्लैरिटी गाइज आपको बढ़ा लेना है, बाकी यहाँ से डन कर लेना है। अभी देखोगे फोटो बिफोर आफ्टर, तो फोटो के अंदर देख पा रहे हो कि एक अलग ही चमक आ गया है। अब इस फोटो को यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे एंड ओपन कर लेंगे इसे हम पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। तो गाइज ये रहा पिक्सआर्ट ऐप, मैं इसके अंदर इस फोटो को शेयर कर देता हूँ। तो गाइज पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आ जाने के बाद गाइज अब आपको क्लिक करना है टूल्स पे, यहाँ जाना है रिसाइज पे एंड ये जो विड्थ आपको दिख रही है 1472, इसे आपको 6000 डाल देना है, कुछ भी डाल दो। यहाँ पे 2896 इसका जो है एक्चुअल विड्थ रिकमेंड हो रहा है, तो हम वही डाल देंगे। अभी गाइज आप देख पा रहे हो कि फोटो मतलब रिसाइज हो गई है। अब इस फोटो को हम कैसा भी सेव करेंगे तो ये फोटो हमारी फुल मतलब HD में ही सेव होगी, ठीक है। अब गाइज आपको यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कलर्स में आना है, ठीक है। कलर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे कलर्स के बहुत सारे फिल्टर आपको दिख जाएंगे। यहाँ आपको एक कलर स्प्लैश का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन ये जो देख पा रहे हो ये प्लस का आइकॉन है ब्लैक कलर का, इसे आपको नेक के पास लाकर कुछ इस तरीके से छोड़ देना है, ठीक है। अभी गाइज आपको मिन ह्यू को आगे की तरफ बढ़ा देना है एंड ये जो मैक्स ह्यू देख पा रहे हो इसे आपको लगभग लेफ्ट साइड की तरफ इतना कर देना है, ठीक है। आपको इतना करना है कि पूरा जो है मतलब ग्रीन ग्रीन पार्ट जो है वो छिप जाए एंड पूरा डार्क डार्क सा ब्लैक दिखने लगे, ठीक है। अभी गाइज देखोगे बिफोर आफ्टर, तो फोटो हमारी अभी से बहुत ज्यादा मस्त लगने लग गई है। बाकी यहाँ से इसको हम डन कर लेंगे। ओके, तो गाइज इतना काम आपको कर लेना है। इतना हो जाने के बाद अब आपको टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करना है एडजस्ट पे, देन यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे लगभग यहाँ पे 2 के अराउंड एंड थोड़ा सा क्लैरिटी भी बढ़ा लेंगे हम, तो क्लैरिटी लगभग 4 या 5 के अराउंड बढ़ा लेना है। बाकी यहाँ से आपको हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेना है, यहाँ से इसको डन करेंगे। ओके, अभी गाइज फोटो देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है, तो इतना काम आपको कर लेना है एंड इस फोटो को यहाँ से हम जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर एंड ड्रॉ टूल के अंदर चल के इस फोटो को सेव कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे एंड भाई कुछ इस तरीके से आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके। एंड अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हो, हम आपका आंसर देने के लिए रेडी हैं। तो भाई इस फोटो को मतलब अगर आप और भी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर ये सब कुछ करना चाहते हो तो इसके ऊपर गाइज हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख के अच्छे से सीख सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।